नाम विक्की कुलकर्णी है और मैं कल और आज दो दिन में यहाँ पे था। और जैसे कि आज का जो प्रोग्राम था, कल का भी जो प्रोग्राम था और सुबह भी हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास हुई, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से हमें ध्यान किया गया जो आज तक हमने कभी सुना नहीं कि भारत पुराने जो जिस तरह से पुस्तक लिखे गए, जिसको हम पहले घृणा किया करते थे, जिसको हम जाति के द्वारा घृणा किया करते थे, हम पहली बार समझ गए कि उसी में मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में दिया गया है। मेरा नाम विल्सन है, मैं मुंबई से हूँ और ये यीशु सत्संग के द्वारा मुझे बहुत सारी आशीष मिली है दो दिन में। और मैंने जाना एक तरीके से हमारे भारतीय दर्शन भी में यीशु के बारे में लिखा है और यीशु सच्चा परमेश्वर है और हमें बहुत सारी आशीष मिली है। हम उसके लिए भाई विकास मसीह का धन्यवाद देते हैं कि वो इस शहर में आए और हमें भारतीय दर्शन के द्वारा, बाइबल के द्वारा उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा मार्ग है। प्रभु का वचन रोमन्स उसका 4:7 में लिखता है, 8 में, धन है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए, धन है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। ध्यान से सुनिए, धन है जिसके अधर्म क्षमा हुए, धन है जिसके पाप ढांपे गए और धन है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए, परमेश्वर पापी ना ठहराए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे दो दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर व्यक्ति जब इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो कहां जाता है, कहां जाता है, स्वर्ग में। उसके बीवी बच्चे परिवार के सदस्य के लोग उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखकर उसको सीधा स्वर्ग में भेज देते हैं कि अब वो हमेशा के लिए स्वर्ग में चला गया, करेक्ट। पर क्या ये कन्फर्म है, उसका जो टिकट है वो कन्फर्म है या वेटिंग लिस्ट है, किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गया, लेकिन विश्वास से हम उसको स्वर्ग में भेज देते हैं। तो चलिए हम आपके इस विश्वास का आदर करते हैं, लेकिन परमेश्वर इसको कैसे देखेगा। हम मनुष्यों को अपनी चतुराई से हम जीत सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने अपनी चतुराई को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती है, धन है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए, धन है जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। आज समाज में हमारी पहचान हमारे एजुकेशन से होती है और हमारे कैपेसिटी से होती है, फाइनेंशियल कैपेसिटी से होती है, हम कितने धनी हैं, हम किस पद पर काम करते हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, कलेक्टर हैं, IAS IFS ऑफिसर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, समाज में हमारी पहचान इससे होती है। लेकिन एक दिन यही समाज और आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने। बाइबल इस विषय पर हमें प्रकाश डालती है। इसे जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपने किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, किसी भी जात कुल गोत्र में जन्म लिया हो, हम सब में एक बात समानता है कि हम पापी हैं। रोमियो 3:23 कहता है हम पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए मनुस्मृति में हमें इस बात को पढ़ने को मिलता है, मनुस्मृति 2 में, पापम पापात्मा पापकर्मा पाप समत्राहिमा में पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर हमारे पापों को हरेगा। परमेश्वर आप हमारी सहायता करिए, प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। कितनी दुख की बात है कि जब बाइबल में परमेश्वर मनुष्य को बनाता है तो वहां पर परमेश्वर मनुष्य को देखकर क्या बोलता है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। जब आदम को परमेश्वर पहली बार देखता है वो कहता है कितना अच्छा है। लेकिन कितने दुख की बात है, वही परमेश्वर रोमियो की पत्री 3:10-12 में कहता है, एक भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का जानने खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब निकम्मे बन गए। आप देखिए, ये बिल्कुल आपके साथ भी संभव है कि आपके बच्चे जब आपकी संगति में और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो कुछ ऐसे ही शब्द आपके मन से निकलते हैं। लेकिन वो पहला दिन जब आप उसे अपने घर लेकर आए थे, आपने उसको प्यार किया, आपने उसको बढ़ाया, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि ये निकम्मा हो गया। कई बार अखबार में कॉलम आता है कि आज से मेरे बेटे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इस चल अचल संपत्ति से इससे मेरा कोई लेना, ये कुछ भी करे मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसी सिचुएशन आ रही है कि पिता को अपने पुत्र को रिजेक्ट करना पड़ता है,
क्योंकि ये सिद्धांत बिल्कुल बाइबल से ही लिया गया है कि कोई भी जो है वो खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब निकम्मे हो गए। इसलिए बाइबल कहती है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने पर दोष लगाता है, क्या तू परमेश्वर के क्रोध से बच पाएगा? परमेश्वर के क्रोध से बच पाएगा? क्या परमेश्वर के क्रोध से आपको कोई बचा सकता है? ना ही कोई धर्म पुस्तक, ना ही कोई धर्म गुरु आपको परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकता। ये एक एक विश्वास है, बिल्कुल इसी तरीके से कि हमारा व्यक्ति जो मरकर गया वो स्वर्ग में गया, एक एक फॉल्स थॉट है, एक गलत शिक्षा है, गलत धारणा है। वो निश्चित स्वर्ग में गया। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा किसी के नाम के आगे नरकीय लिखा हो, कहीं नहीं देखा। इसलिए हमें एक चीज आज की सुबह जाननी है, वो है पर्पस, उद्देश्य। आप देख रहे हैं कि इस भवन में, इस हॉल में तमाम सारी चीजें हैं और हर चीज का एक पर्पस है। यहां पर अगर ये पोडियम है, ये माइक है, ये बैनर है, ये लाइट्स हैं, सभी चीजों का एक पर्पस है, उद्देश्य है। और आप भी आज की सुबह इस भवन में उद्देश्य के लिए आए, पर्पस के लिए आए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आज से 2015 साल पहले इस परमेश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर आया, उसका उद्देश्य क्या था? What was his purpose? प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? कई लोग कहते हैं कि वो धर्म गुरु था, कई लोग उसे कहते हैं वो ईसाइयों का गुरु था। कल मैं आपको बता रहा था, कुछ हमारे हिंदू भाई हमसे कहते हैं तुम्हें कोई दूसरा गुरु नहीं मिला, वो पतला सा मरा लटका हुआ क्रूस पर। इतना तुम्हारा पतला दुबला परमेश्वर है कि लोगों ने मारकर उसको क्रूस पर टांग दिया। पर्पस नहीं पता कि वो क्यों क्यों क्रूस पर टंगा है। पर्पस नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया। लोग आज मसीहत के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे आपका क्रिसमस आएगा, आपका गुड फ्राइडे आएगा। वन डे आई रिसीव ए कॉल कि आपको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, हैप्पी गुड फ्राइडे। मैंने भी कहा, सर थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत हैप्पी गुड फ्राइडे। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ क्रिसमस पर जो केक मिलता है ना, वो जरूर आप हमारे लेके आइएगा, हमें वो क्रिसमस का केक बहुत पसंद है। कई लोग मसीह शादी देखने के लिए चर्च में आते हैं कि मसीह लोग शादी कैसे करते हैं, वो वाइट ड्रेस लड़कियों का, आपका कल्चर। कई लोग इसको नकारात्मक तरीके से लेते हैं कि सर आपके कल्चर में लोग दारू बहुत पीते हैं, हमने वो सारे डिसूजा और पीटर टीवी में दिखाते हैं, वो सब दारू वाले ही होते हैं, तो ऐसा क्यों है सर? बहुत सारी बात वो क्रिश्चियनिटी के विषय में करते, क्रिश्चियनडम के विषय में करते, क्रिश्चियन सिस्टम के विषय में करते हैं, पर बहुत थोड़े हैं जो आकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं। आपका प्रभु यीशु मसीह क्यों मारा गया? आपका प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटकाया गया? क्या हुआ था उसके साथ? उसने क्या ऐसा किया था? बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने का पर्पस उसकी भाषा में, वो क्या कहता है। प्रभु का संदेश है मत्ती 4:17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। ये प्रभु यीशु मसीह का मैसेज है, ये उसने हमसे कहा। दूसरा, प्रभु ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए ही नहीं लेकिन बीमारों के लिए आता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप धार्मिक हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं पाएंगे। अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पापी हैं तो वचन में लिखा है कि मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। इसलिए प्रेरितों के काम 3:19 में प्रभु हमसे कहते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मेरे प्रियो, आपके पाप ना तो धन से और ना ही संसार की संपूर्णता से मिटाए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने पाप को मिटाने के लिए धार्मिक प्रयास करते हैं, धार्मिक प्रयास। कल मैं आपको बता रहा था कहां जाते हैं, वो कहां जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद बहती नदियों में वो नहाने के लिए जाएंगे तो उन बहती नदियों में उनके पाप भी बह जाएंगे। लेकिन कल मैंने आपको बताया था, संत कबीरदास जी कहते हैं, नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। कितना भी आप धो लो, वो पाप आपके हृदय में बना रहेगा, शरीर को मलने से कुछ नहीं होगा।
चाहे आप लक्स साबुन लगा लीजिए, चाहे आप निर्मा वॉशिंग पाउडर या रिन से भी रगड़ लीजिए, आपके पाप वहीं रहेंगे जहां हैं। कई लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, खासतौर पे हमारे कई मित्र हैं, वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब वो दर्शन करके वापस आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, आपको क्या मिला? तो वो हमें जवाब देते हैं, हमने दर्शन किए। दर्शन किया, तुमने क्या पाया? हमने दर्शन किया। दर्शन किसका किया? तो वो कहते हैं कि नहीं, वहां तो पहाड़ पर कुछ भी ऐसा नहीं, बस एक मंदिर है और उस मंदिर के अंदर एक स्टैच्यू है और हम उस स्टैच्यू को वर्शिप करते हैं और देखते हैं और हम चले आते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे ते चाकी भली पीस खाए संसार। अगर एक पत्थर को पूजने से तुम्हारा तुम्हारा जीवन बदल जाए तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यश न मदसन अन्नम प्रवशंति सम्भुम उपासते। परमेश्वर जो पवित्र है, विराट है, वो पत्थरों में नहीं लेकिन आपके हृदय में जीवित रहना चाहता है। कल मैं आपसे कह रहा था, शायद आपने उसे कोई एक कोना दे दिया हो, घर का एक कोई कोना दे दिया हो कि यहां पर मैं परमेश्वर को विराजमान कर दूंगा, लेकिन वो परमेश्वर आपके घर के कोने में नहीं लेकिन आपके हृदय की ऊंचाई पर रहना चाहता है। वो आपके जीवन में प्रमुख बनना चाहता है, प्रमुख। इसलिए वो परमेश्वर जीवित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया, पापियों को ढूंढने के लिए। और हम उनमें से एक हैं, हम उनमें से एक हैं। चाहे हम किसी भी जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र, स्थान के हों, चाहे हम कितने बड़े अधिकारी हों, चाहे हम गरीब रिक्शा चालक हों, एक बात हमें समानता है, हम पापी हैं। और अगर हम पापी हैं तो हमारी प्रभु यीशु मसीह सहायता करने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, वो स्टार्टिंग, जो बिगिनिंग है, वो यही है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो। मैं इसलिए आया कि पापियों को क्षमा दूं। मैं धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया, मैं रिलीजियस लोगों के लिए नहीं आया, लेकिन मैं उनके लिए आया हूं जो पापी हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन पापियों के ही मध्य था। वो पापियों के साथ ही उठते और बैठते, खाते पीते और पूरा समय बिताते। लोग कहते, ये कैसा धर्म गुरु है जो पापियों के साथ खाता है और वैश्याओं के घर जाता है और चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है और चोर और डाकू इसके मित्र हैं। लोग फरीसी और शास्त्री, तो प्रभु ने कहा कि मैं फरीसी और शास्त्रियों के लिए नहीं हूं, मैं किसके लिए हूं? किसके लिए हूं? पापियों के लिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको दो दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि मनुष्य की सबसे जो बड़ी आवश्यकता है वो है पाप से क्षमा। धन आपकी प्रारंभिक आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है कि आप पाप से छुटकारा प्राप्त करें। धन की उपलब्धि, धन की संपूर्णता से आप पाप से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। भागवत रहस्य में गीता के अनुसार परमेश्वर तक पहुंचने के लिए तीन मुख्य मार्ग बताए गए। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। हम ज्ञान इकट्ठा कर लें तो शायद हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे ज्ञान की बातों को सुनने से। लेकिन भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद, कठोप उपनिषद में ऐसा कहा गया है, नान्यमात्र न प्रवचने लव्यो न मेघ न बहुना श्रुतेन। ज्ञान की बातें सुनने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करे, ट्रीटमेंट आपको बताए, उससे आप चंगे नहीं होंगे जब तक आप ट्रीटमेंट को लेंगे नहीं। अच्छी दवाइयों के नाम पर्चे पर लिख लेने से आप चंगे नहीं होंगे। चाहे वो दवाई का पर्चा आप अपने दिल की इस पॉकेट के पास रख लें, आपका दिल वैसा ही रहेगा जैसा है। उसमें अगर दो वॉल्व बंद हैं तो वो बंद ही रहेंगे, दवाई का पर्चा रखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ज्ञान इकट्ठा करने से मुंडक उपनिषद के अनुसार ना मात्र ना प्रवचन लभ्य हो न मेघ न बहुना श्रुतेन। विवेक चूड़ामणि 6 के अनुसार वदंतु शस्त्राणी यजंतु देवान कुर्वंतु कर्माणि भजंतु देवता। शायद देवताओं का भजन करने से, देवताओं का भजन करने से नहीं, लिखा है शास्त्रों को पढ़ने से, देवी देवताओं को यज्ञ अर्पित करने से, पूजा करने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान मार्ग के द्वारा नहीं होगा, कर्म मार्ग से तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि शायद वो अच्छा कर्म करेंगे और परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है, ना योगिन न सांख्यन कर्मणा नो न विद्याया ब्रह्म कित मोक्ष विद्यते सिद्धाय न। तुम्हारे धर्म के कामों से नहीं,
इसलिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा है, परमेश्वर हमें हमारे पापों के लिए दंडित मत कीजिए, हमें दया करके क्षमा कीजिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो आरंभ से ही वो अपने कार्य को कर, जिस कार्य को करने के लिए आया है वो उस पर फोकस है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने आया हूं। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु। पाप का जो परिणाम है, जो फल है, वो क्या होगा? आप 30 दिन काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार आपको क्या देती है? सैलरी देती है, ठीक है। तो जीवन भर आप पाप कर रहे हैं, अंत में परमेश्वर आपको क्या देगा? क्या देगा? व्हाट इज योर वेजेस? अंत में आपको क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी, इटर्नल सेपरेशन। बाइबल दो तरह की मृत्यु के विषय में वर्णन करती है, एक हमारी शारीरिक मृत्यु जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन दूसरी मृत्यु है परमेश्वर से अलग, आप अनंत के लिए आप उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। पापम फलम नरकमाद्यस्तु, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है कि पाप का जो परिणाम है वो है अनंत मृत्यु, अनंत मृत्यु। इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और उसे क्षमा मांगे। और ऋग्वेद का 5वां मंडल कहता है कि इन समस्त पापों को परमेश्वर आप ही दूर कीजिए। केवल परमेश्वर हमारे इन पापों को दूर कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए इस संसार में ज्ञान तो बहुत था, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले संसार के सारे धर्म, सारे सांख्य, सारे चिंतन अपनी शिखर पर पहुंच चुके थे, सारे धर्म अपनी शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन मुक्ति का द्वार अभी तक नहीं खुला था। मुक्ति का द्वार, उद्धार का द्वार अभी तक नहीं खुला था, क्योंकि क्षमा का संदेश नहीं था, फॉरगिवनेस का संदेश नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वचन में लिखा है उसने पापियों के साथ संगति की और पापियों के साथ खाया और उनको क्षमा दिया। आपको याद है जकई की कहानी? हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ जकई? जकई की कहानी, प्रभु यीशु मसीह मार्ग में होते हैं और जकई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से वो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता है। बाइबल कहती है वो एक धनी पुरुष है, एक सरदार है। वो सरदार मीन्स ही इज अ लीडर ऑफ द कम्युनिटी। लोगों में उसकी जान, लोग उसको सैल्यूट मारते हैं, अमीर आदमी है और उसके पास पावर है। उसके पास, उसने अगर दिन लिख दिया तो दिन, रात लिख दिया तो रात। ही इज अ पावरफुल मैन। और वो पावरफुल मैन कहां चढ़ के प्रभु को देख रहा है? गुलर के पेड़ पर चढ़कर देख रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के निकट नहीं जा सकता था। इसलिए वो पेड़ पर चढ़ा और झांक के देखने लगा। बस उसकी इच्छा क्या थी? कि वो प्रभु को बस एक बार देख ले, झांक के देख ले प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से निकला और उसने उसकी ओर दृष्टि की और कहा कि जकई तू झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। लोग कुड़कुड़ाने लगे कि ये इतना बड़ा गुरु जो है वो इस पापी के घर जाएगा। और बाइबल, प्रभु कहता है मैं तेरे घर खाना खाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे संग संगति कर भोजन करूंगा। लोगों के वैसे ही पेट में दर्द होने लगा कि यीशु मसीह इनके संग खाना खाएगा। हम धार्मिक लोग हैं, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह चले। लेकिन प्रभु ने निर्णय लिया, प्रभु इसके घर गए और घर जाने के बाद वहां एक चमत्कार हुआ। वहां चमत्कार हुआ, जकई का आत्मिक कोण शुद्ध हो गया। वो जकई जो आत्मिक रूप से बीमार था वो चंगा हो गया। उसने प्रभु के साथ संगति की और वचन में लिखा है कि वो उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि अब तक मैंने जितना भी कमाया है वो मैं उसका आधा क्या करूंगा? गरीबों को दे दूंगा, और जिसका मैंने गलती से लिया उसका 4 times में उसको वापस करूंगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा, प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, उसके घर में सब कुछ था, उसके घर में सब चीजें थी, वैभव, सुख विलास, अधिकार, सब कुछ था, लेकिन आज इस घर में उद्धार आया है। तो उद्धार का संदेश जो है वो महत्वपूर्ण है, और उस उद्धार के संदेश को देने के लिए परमेश्वर ने एक भारी कीमत चुकाई है। तो एक और उद्धार मुफ्त जरूर है, मुफ्त है ये, लेकिन somebody paid, किसी ने उद्धार के उस मूल्य को चुकाया है। और मालूम है आपको, वो जो कॉस्ट है, जो मूल्य है, वो बहुत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। वो है लहू, ब्लड।
मेरे प्रियो ब्लड लहू। आज आप किसी भी महात्मा संत गुरु पीर पैगंबर के पास चले जाएं और आप उससे कहें कि आप मेरे लिए लहू बहा सकते हैं? नहीं, मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, आई कैन टीच यू, बट आई कैन नॉट टेक योर बर्डन ऑन मी। मैं तुम्हारे पाप को, तुम्हारे तुम्हारे कर्ज को मैं नहीं चुकाऊंगा। लेकिन कल मैं आपको बता रहा था, मत्ती 8:14-17 में प्रभु का वचन कहता है, उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और क्रूस पर उस दुर्बलता का उसने मूल्य चुका दिया। तद रक्तनम परमात्नम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम। समस्त मानव जाति के पाप के लिए मूल्य कौन चुकाएगा? मूल्य कोई नहीं चुका सकता, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा तत्वदर्शी हो, मूल्य नहीं चुका सकता। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कुछ कहा है, और जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में उसके विषय में डिजायर की गई थी, कल्पना की गई थी। भारतीय दर्शन के सनातन धर्म के अनुसार 10 मुख्य बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली मुख्य बात है कि सनातन धर्म के अनुसार उस परमेश्वर को प्राप्त करने हेतु ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना करें हम उस सनातन परमेश्वर को। लेकिन चैलेंज ये था, समस्या ये थी कि वो परमेश्वर है कौन। इसलिए संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिसकी जो भावना रही उसने उस हिसाब से ईश्वर की आराधना, किसी ने पेड़ की आराधना की, किसी ने, बाइबिल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहां तक कि जीव जंतुओं की भी आराधना की, उन्होंने सृष्टि की आराधना की, सृष्टिकर्ता की आराधना नहीं की। लेकिन एक डिजायर थी कि एक दिन हम उस परमेश्वर को देखेंगे, एक दिन वो परमेश्वर हमारे मध्य में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? ये एक डिजायर थी। आपने देखा होगा, कई बार आपने टीवी पर भी देखा होगा, या पहले एक सीरियल आता था, उसको हम महाभारत कहते हैं, देखा है आपने? तो महाभारत में कितने लोग देखते थे? तो वहां पर एक विशेष समय आता था जब वो अमृत के लिए लड़ाई करते थे, अमृत के लिए, मालूम है आपको, एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता लोग, अमृत के लिए झगड़ा करते थे। अमृत प्राप्ति की, अमृत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उस अमृत को पी लेंगे तो हम क्या होंगे? अमर हो जाएंगे। अगर वो अमृत, इसलिए वो राक्षस कोशिश कर रहे थे कि हमें ये अमृत मिल जाए, तो वो तो लड़ाई झगड़ा करके अमृत पीने की कोशिश कर रहे थे, चोरी से, चलाकी से पीने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक भेदिया बनकर जाकर बैठ गया था वो चुपचाप से अमृत पीने के लिए। लेकिन बाइबिल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं दूंगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। मैं वो जल तुमको दूंगा जिसको पीकर तुम अनंत काल तक नहीं मरोगे। शाश्वत जीवन की कल्पना की गई भारतीय दर्शन में। यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। भारतीय दर्शन की प्रार्थना के अनुसार कल मैं आपको बता रहा था, गीता के 18वें अध्याय 62 श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ सलाह लेते हैं कि मुझे वो परम मोक्ष और परम शांति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी, वो मोक्ष कैसे मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सलाह दी, तुमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें परम मोक्ष और परम शांति मिलेगी। और जब हम इसी बात को यहूना के 14:27 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा जगत नहीं देता वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तो परमेश्वर अपनी सबसे मूल्यवान चीज आपको दे रहा है, द पीस। परम आनंद के लिए प्रार्थना की गई कि हमें आनंद मिले, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा, अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। योग सिद्धता हेतु प्रार्थना उत्खंडा की गई। योग का मतलब होता है एकीकरण, एकत्व। मैं तुम में बना रहूं और तुम मुझ में बने रहो। जब तुम मुझ में बने रहोगे, कल मैं आपको समझा रहा था क्लासेस में, प्रसाद के लिए, अनुग्रह के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर की देह धारण होने की प्रतीक्षा की गई कि कब परमेश्वर देह धारण करके हमारे बीच में आएगा। कुलुसियों की पत्री कहते हैं, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह। मेधा पुरुष वो हमारे पापों के लिए बलिदान करेगा, हमारे लिए पुरुष बनकर हमारे लिए एक यज्ञ करेगा।
इसलिए बाइबल कहती है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जाता है। फिर दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते हैं आपको बिना ये अवसर दिए कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। छोटी सी प्रार्थना को मेरे साथ दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, इस समय हम धन्यवाद देना चाहते हैं शिबू जॉर्ज और उनके परिवार का। उन्होंने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी सहायता की है। हम उनके बेटे और उनकी बेटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी आशीषों में से एक उत्तम भाग इस कार्यक्रम के लिए दिया ताकि ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा सके। हम उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। साथ ही तमाम उन दानदाताओं के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जिनके छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारी फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज के लिए, यीशु सत्संग कार्यक्रम के लिए और तमाम हमारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हम उन लोगों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए इन बातों को हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं भाई शिबू जॉर्ज, उनकी पत्नी और उनके तीनों बच्चों के लिए। पिता, उन्होंने अपनी आशीषों का उत्तम भाग आपके चरणों में रखा है ताकि ये कार्यक्रम प्रभु जी पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। हम भाई के कार्य पर आशीष बोलते हैं प्रभु जी, उनकी पत्नी के जीवन में आशीष को बोलते हैं, तीनों बच्चों के जीवन में आशीष बोलते हैं। पिता, ये परिवार आप में उन्नति करता जाए, उनके तीनों बच्चे प्रभु जी पढ़ाई लिखाई में और तमाम आत्मिक बातों में मजबूत होते जाए प्रभु जी, और आपके राज्य के लिए स्तंभ ठहरे प्रभु जी। उस परिवार पर आपकी प्रतिज्ञाएं पूरी हो, उस परिवार पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। किसी भी कमी घटी को प्रभु जी हम उस परिवार में नहीं देखते क्योंकि आप उस परिवार के प्रभु परमेश्वर हैं। साथ ही धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे साथ शेयर किए हैं पिता, ताकि हम अपनी सेवा को प्रभु जी भारत देश में जारी रखें पिता। और धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए जो हमें फ़ोन करते हैं हमसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें उत्तर देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आगामी सभाओं के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम अन्य स्थानों पर जाकर आपके नाम को प्रभु जी बांट सकें। तमाम उन लोगों के लिए जो अभी भी प्रभु यीशु आपके प्रेम से आपकी सच्चाई से दूर हैं, आप उनकी भी सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रिय दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने प्रार्थनाओं को, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को हमारे साथ बांट सकते हैं ताकि हम यीशु सत्संग कार्यक्रम को पूरे देश में ले जा सकें, अन्य अन्य स्थानों पर जा सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में आकर भी यीशु सत्संग का कार्यक्रम रखें, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर बातचीत कर सकते हैं। आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर बातचीत कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका और हमारा मिलकर परिश्रम हमारे देश के लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन निश्चित भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान और प्रेम को जान सकेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।